हम पेशेंट की पहले हिस्ट्री लेते हैं, उसके मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, उसमें क्या इशू हैं। और बहुत से लोग क्या होता है, क्रैश डाइटिंग से वेट कम करते हैं तो उनकी स्किन सैग हो जाती है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, उसकी अगर हिप बारी है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, अगर बच्चे आए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है। क्रैश डाइटिंग जो कुछ लोग करते हैं, ये क्या होता है क्रैश डाइटिंग? उसमें क्या होता है, उसमें लोग खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, फ्रूट्स या लिक्विड डाइट पे ही रहते हैं। तो जब आप फ्रूट और लिक्विड डाइट करके वेट कम करते हैं तो जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं तो वेट बाउंस बैक हो जाता है। हम क्रैश डाइटिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम कहते हैं कि हमें नॉर्मल खाना खाते हुए वेट कम करना चाहिए और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। हम वेट कम करने के साथ साथ पेशेंट के मेडिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। जब भी कभी आपका वजन बढ़ता है, आपको अपनी बॉडी में हैवीनेस फील होती है, फिर आपका दिमाग आपको संकेत देता है। दिमाग आपको ये संकेत देता है कि क्यों ना वजन को कम किया जाए। इसके लिए आज हम आपके पास लेकर आए हैं डॉक्टर अंजू सिंगला जी को, सिंगला स्लिमिंग क्लिनिक से। डॉक्टर साहब वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है जी। डॉक्टर साहब, लेमैन की अगर बात करें, सबसे पहले जब वजन बढ़ता है, बॉडी में हैवीनेस आती है, बंदा लेजी हो जाता है, फिर उसका दिमाग उसको बोलता है कि अब डॉक्टर साहब के पास जा और पतला हो, अपनी ओबेसिटी कम कर। तो जब पहली कॉल करते हैं तो आपको नॉर्मली पूछते होंगे कि डॉक्टर साहब मुझे बड़ी दूर से आना है, टोटल मुझे ये बताओ कि मेरा खर्चा क्या होगा, तो इन बातों पर फिर आप कैसे उनको जवाब देते हो? बेदी जी, ऐसे है, जब भी हमको कोई कॉल आती है तो ज़्यादातर लोग स्टाफ से यही पूछते हैं कि हमें पहले बताओ कि खर्चा कितना आएगा, कितने पैसे लगेंगे, हमने इतनी दूर से आना है। पर ये पॉसिबल नहीं है। जब किसी को कोई भी मेडिकल इशू होता है, जैसे खांसी, जुकाम या एकदम से पेट दर्द होना शुरू हो गया, तो पेशेंट डॉक्टर को फ़ोन करके क्या ये पूछता है कि पहले मेरे को बताओ कितने पैसे लगेंगे तो मैं आऊँगा, क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं जी। हाँ जी, इसी तरह हम भी किसी को जैसे कॉल आती है तो हम उसको पहले ये नहीं बता सकते कि कितने पैसे लगेंगे। हम पहले उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं कि उसको क्या क्या मेडिकल इशू हैं, उसका वेट कैसे बढ़ा, उसने वेट कम करने के लिए उसने क्या कुछ किया, उसकी बॉडी की शेप कैसी है, उसने पेट से कम करना है, थाई से कम करना, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसकी सारी हिस्ट्री लेते हैं। हम कोई प्रोडक्ट तो सेल नहीं कर रहे हैं, है ना, कोई उसकी MRP नहीं है, हम जिम भी नहीं चला रहे हैं, ना ही हम डाइटिशियन हैं, तो हम तो एक डॉक्टर हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है ना। तो उसके चेकअप के बाद उसको क्या क्या ट्रीटमेंट हमने देना है, कौन से पैकेज बनेगा, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से पैकेज बनता है, तो हम उनको बता ही नहीं सकते कि कितने पैसे लगे। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें तो ये हर पर्सन टू पर्सन, मैन टू मैन, वुमन टू वुमन वेरी करता है कि उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा, उसका मेटाबॉलिज्म, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी जो बॉडी है वो रेजिस्ट कैसे करती है, ये सब पॉइंट्स मैटर करते हैं। बिल्कुल बेदी जी, ऐसा ही होता है। हम पेशेंट की पहले हिस्ट्री लेते हैं, उसके मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, उसमें क्या इशू हैं। और बहुत से लोग क्या होता है, क्रैश डाइटिंग से वेट कम करते हैं तो उनकी स्किन सैग हो जाती है, उनके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, उसकी अगर हिप बारी है उसके लिए क्या ट्रीटमेंट करना है, अगर बच्चे आए तो उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, बुजुर्ग हैं उसके लिए क्या ट्रीटमेंट है, किसी की नी प्रॉब्लम है उसके लिए, कोई हार्ट प्रॉब्लम है उसके लिए, अलग अलग हमारे ट्रीटमेंट होते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही पैकेज बनते हैं, तो हम बता ही नहीं सकते कि कितने पैसे। डॉक्टर साहब, आपने एक वर्ड यूज किया, क्रैश डाइटिंग, इसका मतलब क्या होता है? क्रैश डाइटिंग जो कुछ लोग करते हैं, ये क्या होता है क्रैश डाइटिंग? उसमें क्या होता है, उसमें लोग खाना प्रॉपर नहीं खाते हैं, फ्रूट्स या लिक्विड डाइट पे ही रहते हैं। तो जब आप फ्रूट और लिक्विड डाइट करके वेट कम करते हैं तो जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं तो वेट बाउंस बैक हो जाता है। और सबसे बड़ा उसका साइड इफेक्ट क्या जाता है कि हमारी स्किन, जो पेट है वो लमक जाता है, स्किन सैग हो जाती है। तो हम क्रैश डाइटिंग के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, हम कहते हैं कि हमें नॉर्मल खाना खाते हुए वेट कम करना चाहिए और एक हेल्दी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। हम वेट कम करने के साथ साथ पेशेंट के मेडिकल प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम्स, उसमें मतलब फॉर एग्जांपल मान लो किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, किसी की शुगर बढ़ रही है, किसी को नई प्रॉब्लम है, तो जब हम उसका वेट कम करते हैं तो उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है साथ साथ। ठीक है जी, सो ये बहुत बड़ी पॉइंट है। और इसके अलावा जब पेशेंट आपके पास आ जाते हैं, फिर जब ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है तो उनको कैसे कैसे सारा समझाया जाता है कि ये आपका पैकेज बनेगा, इतना टाइम आपको यहाँ पर डिवोट करना पड़ेगा, वो सब बातें आप कैसे समझाते हो फिर? वो पेशेंट की देख के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम पैकेज बनाते हैं। उसका जो मर्जी पैकेज बने, जितना मर्जी पैकेज बने, वो पैकेज है 10,000 का हो, 20 का हो, 5,000 का हो, 50,000 का हो, उसके वो पैसे उसको 1 month के अंदर अंदर रिफंड होने वाले होते हैं। क्योंकि एक तो वो वेट बहुत अच्छा कम कर लेता है, दूसरे जो उसकी ड्रेसेस वेस्ट हो रही हैं वो सारी उसकी काम आ जाती हैं, उसके बाद उसके जो मेडिकल इशू हैं वो रोज़ हॉस्पिटल जाते हैं, दवाइयों पे खर्चते हैं। तो अगर हम हॉस्पिटल एक बार हो आए
तो हमारा कितना खर्चा हो जाता है, है ना। तो उनके मेडिकल इशू भी ठीक हो जाते हैं, तो उनके सारे पैसे तो तभी रिफंड हो जाते हैं। तो ये कोई कॉस्टली नहीं पड़ता, बहुत अगर आपकी बात माने तो आप बोलना चाहते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पहले ही अपना बचाव कर लो ताकि अस्पतालों में जाके बड़े बड़े लाखों के बिल ना देने पड़े। तो दर्शकों बहुत बड़ी बात है, डॉक्टर अंजू सिंगला बता रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपका बॉडी का वेट बढ़ रहा है, आपका वजन बढ़ रहा है, तो इससे पहले क्योंकि कोई ज्यादा कोई डेंजरस सिचुएशन इसमें बने, आपको बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी लगे, तो आप पहले ही अपने वेट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे आपके कपड़े वगैरह होते हैं, महंगे कपड़े हैं, ड्रेसेस होती हैं, वो खराब हो जाती हैं, वेस्ट हो जाती हैं वेट बढ़ने के बाद, फिर वो पैसे बचते हैं डॉक्टर्स में, बड़े हॉस्पिटल्स में जाके लाखों का बिल बनता है वो बचते हैं। तो महज कुछ हजार और कुछ घंटे डिवोट करके और डॉक्टर अंजू सिंगला की सलाह लेकर अगर आप अपनी बॉडी को अपने कंट्रोल में रख सकते हैं, अपने बढ़ते हुए वजन को कंट्रोल कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से बढ़िया बात और आपके लिए क्या हो सकती है। तो दर्शकों बिल्कुल जो जो सवाल हमारे दिमाग में होते हैं, तो मुझे लगता है कि डॉक्टर अंजू सिंगला ने बकायदा बड़ी ही गंभीरता के साथ और बिल्कुल क्लियर करते हुए बातें क्लियर की हैं कि जब भी आपको, आप एक पेशेंट हैं और जब भी आपको आना अपना वजन कम करना है, एक बात याद रखिए कि पैसा प्राइमरी आपकी प्रायोरिटी नहीं होना चाहिए, वो सेकेंडरी हो, प्राइमरी प्रायोरिटी आपकी हेल्थ होनी चाहिए। तो जब भी आपको अपना वजन कम करना है, अपनी बॉडी को एक अच्छी टोन्ड शेप में लेकर आना है, एक्सेसिव फैट को, एक्सेसिव ओबेसिटी को रिमूव करना है, तब पैसे को साइड में रखें, पहले खुद आएं, डॉक्टर साहब से मिलें, उनके साथ बातचीत करें ताकि वो आपको चेक कर सकें, वो ये जान सकें कि क्या क्या जरूरतें आपकी बॉडी में हैं जो उनको चेंज करनी है, जिसके हिसाब से आपकी बॉडी आने वाले समय में जो आपका भविष्य है उसमें कभी भी आपको दिक्कत ना दे, आपको एक लंबी आयु प्रदान करना, आपको एक हेल्दी स्वस्थ जीवन प्रदान करना भी डॉक्टर अंजू सिंगला का एक कर्तव्य है, इनका फर्ज है। तो मेरे हिसाब से अगर आप पहले आते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, आपकी जो रिपोर्ट्स बनती हैं, कोई आपके मेडिकल्स, आपकी हिस्ट्री चेक की जाती है, तो उसके बाद जब पैसे की बात आती है तो फिर आप इनसे पूछ सकते हैं कि अब कितने घंटे या कितने महीने का कोर्स होगा, क्या आपका पैकेज होगा, तो ये चर्चा बाद में होगी। पर सबसे पहले आपको पैसे को साइड में रखकर अपनी सेहत को प्रायोरिटी देनी है, उसको प्राइमरी आगे रखकर एक नंबर पर इनसे बातचीत करके हर तरह के अपने सवाल का पहले जवाब लेना है। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका इतनी जानकारी साझी करने के लिए।